नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, बोलेंगे मोदी सुनेगी दुनिया। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की है। दोनों देश रीजनल सिक्योरिटी के लिए बने महत्वपूर्ण ग्रुप क्वाड के सदस्य हैं। मोदी और मॉरिसन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक के साथ साथ आपसी संबंध मजबूत करने पर भी जोर दिया। दोनों के बीच रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों ने कोविड-19, ट्रेड, डिफेंस, क्लीन एनर्जी जैसे कई मुद्दों पर मिलकर काम करने पर जोर दिया। और प्रधानमंत्री ऑफिस से जारी बयान में बताया गया कि मोदी और मॉरिसन ने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने को कहा है। स्कॉट मॉरिसन ने ऑकस ग्रुप की घोषणा होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी से 15 सितंबर को फोन पर बात की थी। यह तीन देशों का एक ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल है। स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात के बाद आज सुबह करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। सुगा और मोदी की मुलाकात उसी बेलॉर्ड होटल में हुई जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ठहरे हैं। इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद पीएमओ ने सोशल मीडिया पर कहा कि दोनों नेताओं के बीच वॉशिंगटन डीसी में अहम बातचीत हुई। इस दौरान ट्रेड और कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने पर भी फोकस रहा। क्वाड मीटिंग में दोनों नेता आज देर रात फिर मिलेंगे। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको मोदी की ये यात्रा दिखाते हैं। तो मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की खास बातें। पीएम मोदी बुधवार को 11 बजे रवाना हुए थे। 3 दिवसीय ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का, और उनके विमान ने अफगानिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल भी नहीं किया। तो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की खास बातें आपको बता रहे हैं। अमेरिका तक नॉन स्टॉप फ्लाइट के लिए पाकिस्तान एयरस्पेस का इस्तेमाल किया गया, और इसी के साथ रूट बदलने के चलते यात्रा का समय लंबा हो गया। तो 3 दिवसीय प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की ये खास बातें आपको बता रहे हैं। और वहीं फ्लाइट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर वो फोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से आपसी संबंध बेहतर करने पर भी चर्चा की। तो सुबह 3:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी के यात्रा की ये खास बातें आपको बता रहे हैं। वहीं जापानी पीएम से मीटिंग में ट्रेड बढ़ाने पर फोकस किया गया, और इसी के साथ आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वॉशिंगटन में मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो बाइडेन के साथ मुलाकात भारतीय समयानुसार रात 8 बजे के बाद प्रस्तावित है। वहीं 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिवसीय दौरे के दौरान ये प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम। बुधवार को 11 बजे वो रवाना हुए थे और उनके विमान ने अफगानिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया था। तो इसी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद ही खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है ललन सिंह जी आपका एनबी न्यूज पर। प्रधानमंत्री मोदी का यह ऐतिहासिक दौरा, 3 दिवसीय दौरा, काफी अहम दौरा, और आज बात की जा रही है कि वो जो बाइडेन के साथ मुलाकात करेंगे और क्वाड देशों के साथ भी उनकी मीटिंग है, कितना अहम माना जाए इसको? ये एक ऐतिहासिक, भारत के और अमेरिका के बीच में जो वार्ताएं चल रही हैं, जिसमें खास बाइडेन साहब और मोदी साहब का लगभग 8:30 बजे रात भारत के टाइम में इनकी बातचीत शुरू होगी, और आगवानी के लिए बाइडेन साहब पूरी जोर शोर के साथ एकदम तैयार है। मैं ये बताना चाहूंगा कि इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इससे पहले जो वाशिंगटन के अंदर उपराष्ट्रपति
भारतीय मूल की तमिलनाडु से जिनका पारिवारिक संबंध रहा है, कमला हैरिस जिनसे एक बहुत अच्छी संवाद और बातचीत हुई है, और उससे पहले 15-15 मिनट दुनिया के सबसे बड़े सीईओ जो व्यापार के माने जाने हस्ती हैं उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री महोदय का एकदम साफ वार्ता हुआ है, जो हमें कुछ ही दिनों के अंदर भारत के अंदर दिखेगा और हमारा इससे व्यापार की जो काबिलियत है वो दुनिया के अंदर एक रौनक जैसा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बातचीत हुई उसमें दो तीन बातें बहुत साफ है पांडे जी। नंबर वन, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान के पास बहुत से सक्रिय आतंकी संगठन है, उसके ऊपर पाकिस्तान को लगाम और निगरानी रखना बहुत जरूरी है, जिसके कारण माहौल खराब हो रहा है और होने की और संभावना है। नंबर टू, उन्होंने जो बातचीत में साफ बताया कि हमारी जो कोविड की दूसरी लहर थी उसमें हमारा आपसी सहयोग बहुत अच्छा रहा और प्रधानमंत्री साहब ने इसके लिए यूएस को और कमला जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत साफ लफ्जों में कि आतंकवाद जिसमें क्रॉस बॉर्डर और घुसपैठ और साथ साथ तालिबान का जो हालात है उसमें जो दोहा के अंदर बातचीत हुई थी जिसके अंदर साफ था कि आप अपने आप को आतंकवाद से एकदम मुक्त करेंगे उसके ऊपर बहुत संवाद में जोर था। और जलवायु परिवर्तन क्वाड, जो कि हम बोल सकते हैं कि चीन को क्वाड के द्वारा कैदी बनाने की जो तैयारी चल रही है उसकी शुरुआत बातचीत चल चुकी है, अब केवल रात 8:30 का इंतजार हो रहा है, जिसमें अमेरिका जापान भारत और यूएस का बैठक होगा और चर्चा होगी। उससे पहले अमेरिका के जो हमारे महोदय हैं उनसे भी हमारी प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि मिस्टर मॉरिसन हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि और जो देश पवन पांडे जी हमारे साथ आना चाहते हैं इस क्वाड के साथ उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है और आएंगे, और ये मान के चलिए कि ये हिंद और प्रशांत महासागर में जो दादागिरी चीन का है उस दबदबे को 100% इसके ऊपर इस तरह का दबाव बनेगा कि वो एकदम अपने आप को दिव्यांग महसूस करेगा, हैंडीकैप महसूस करेगा। और आज 8:30 का हम इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं और अब समय बस कुछ ही घंटों का है। राजन सिंह जी, इसी के साथ साथ सामरिक और रक्षा नीतियों के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अहम बैठक हुई है। 5 कंपनियों के सीईओ के साथ उन्होंने मुलाकात की, एप्पल की तरफ से टीम कुक से उनकी मुलाकात हुई है, एडोबी जैसी कंपनी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। इन नीतियों को भी किस तरीके से देखा जाए और इसका हमारी टेक्नोलॉजी जो ये शामिल होगी हमारी रक्षा प्रणाली में उसकी तरफ से किस तरीके से इसका नजरिया बनता है, ये जो है बहुत अच्छी और जबरदस्त बात हुई। जैसा आपने बताया कि दुनिया की मानी हुई कंपनियों के 5 सीईओ के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री साहब और हमारे प्रतिनिधिमंडल की पूरी बातचीत हुई है उसमें यह भी कुछ हमारे सीईओ का बयान था कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जिसकी दुनिया में एक अहमियत है और इसी के द्वारा जो हमारे यहाँ वो आएंगे जिसमें भारतीय मूल के भी 2 उसमें सीईओ हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो स्किलफुल लोग हैं और उनके लोगों के साथ जो मिलकर हमारी जो आयात और निर्यात दोनों पे कार्यक्रम होंगे उससे भारत को जो प्रधानमंत्री साहब का सोच है आत्मनिर्भर बनना और सबसे ज्यादा ऊर्जा और सामरिक, और मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें स्पेशली ड्रोन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि आने वाले दिनों में डिजिटल और ड्रोन इनकी बहुत अहमियत है और इसको मद्देनजर जो हमारे पास सीईओ की बातचीत हुई है वो बहुत जबरदस्त हमारे अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव करेगी। और अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर जो चीन है उसके आर्थिक मनोभाव को, उसकी दादागिरी को, उसके अपने डेवलपमेंट की सोच को अगर देखा जाए तो उसको दबाने का एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम भी हमारे सामने है और इस चीज को हम ऐतिहासिक मानते हैं। हम एक जगह क्वाड और एक जगह आर्थिक अपनी डेवलपमेंट इन सभी चीज पे मद्देनजर और साथ साथ कोविड के बारे में और जलवायु परिवर्तन इन सभी चीजों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे G7 के जो देश की एक बैठक हुई जिसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया है कि अफगानिस्तान की धरती किसी भी आतंकवाद से मुक्त होना चाहिए और वहां पे जो भी आर्थिक सहायता
दी जाए दुनिया की, वो सीधे पहुंचे। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने एक लास्ट में बताया कि हम आतंकवाद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो चाहे समर्थन से हो या किसी भी संगठन से हो, लेकिन हम जो अफगान के लोगों के साथ अपनी मित्रता, अपनी ऐतिहासिक रिलेशन रखेंगे, वो अपने सुरक्षा के मद्देनजर रखेंगे। ये बहुत बड़ी अहमियत वाली बात है। नरेंद्र सिंह जी, इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर भी थोड़ा रोशनी डालिए कि बताया जा रहा है कि उन्होंने अफगानिस्तान के एयर स्पेस की जगह पाकिस्तान के एयर स्पेस का चुनाव किया, ये कितना बड़ा परिवर्तन और इसके कितने मायने समझे जाएं? देखिए, ये तो बहुत सोची हुई रणनीति होती है। अगर किसी आसमानी यात्रा के अंदर हम कोई चीज को, और भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो दुनिया के सबसे खास नेताओं में है, तो उसको एक सामरिक रणनीति के तौर पे अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो सिक्योरिटी होता है हमेशा शक की नजर से देखी जाती है, क्योंकि अगर हमारे भारत के एयरफोर्स और भारत की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, इन्होंने सोचा कि अगर पाकिस्तान के आसमानी तरफ से हम सफर करते हैं तो पाकिस्तान उसका प्रत्यक्ष गवाह होगा, किसी भी तरह का संभावना खतरे की नहीं होगी, क्योंकि उसके द्वारा उसी के इलाके से जाएंगे। लेकिन आप देखिए, अगर अफगान के रास्ते को हम चुने तो उसमें अभी भी सरकार बेहतर ढंग से स्थापित नहीं हुई है, और पाकिस्तान, तुर्की और अप्रत्यक्ष रूप से चीन, ये कुछ भी आतंकवाद के सहारे, आतंकवाद के नाम पे कोई ऐसा इंसिडेंट कर सकते हैं। और सिक्योरिटी स्टार्ट फ्रॉम डाउ, सुरक्षा की शुरुआत सच से होती है, और हम ऐसा मौका कभी भी नहीं देंगे कि हम उस जगह से गुजरे जहां पे हमारे इस महान पीआईपी को किसी भी प्रकार का कोई शक और सुबह का संभावना हो। तो ये कारण है कि पाकिस्तान से पूछा गया और उन्होंने एक्सेप्ट किया। और अगर देखा जाए तो ये हमारे दोनों देशों को अब सोचना पड़ेगा कि हम पड़ोसी हैं और हमें साथ रहना है। अगर पाकिस्तान अभी नहीं समझेगा तो उसके पास समय नहीं है, क्योंकि अब कैदी बनाया जा रहा है चीन क्वाड के द्वारा, और पाकिस्तान तो कोई हस्ती नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जी, क्वाड की बात कर रहे हैं, लगातार क्वाड के नेताओं के साथ मुलाकात हो रही है। ललन सिंह जी, वैश्विक परिदृश्य पे कई अब नए गठबंधन तैयार हो रहे हैं एक तरीके से कहा जाए तो, और क्वाड के साथ साथ अभी जो ये ऑकस जो एक नया बना है, बताया जा रहा है कि ऑकस में समझौता करने से पहले वहां के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी, और अब जब फ्रांस जो है वो उसके साथ बहुत ही रिश्ते ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बताया यहाँ तक कि नौबत आ गई कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने अपनी राजदूत तक वापस बुला लिए, उस बीच ये नए तरीके का जो क्वाड एक नया समीकरण उभर रहा है, उसमें कई और देशों के मिलने की बात कर रहे हैं कि और भी देश शामिल हो सकते हैं, ये जो गठजोड़ बन रहा है और ये जो एक नए समीकरण वैश्विक स्तर पर पैदा हो रहे हैं, उस लिहाज से इस मीटिंग का कितना ज्यादा महत्व समझा जाए ललन सिंह जी? देखिए, कुछ देशों का अपना अपना सोचने का तरीका होता है। ये जो फ्रांस है वो बहुत सख्त और सतर्क और बहुत जल्द निर्णय लेने में, ये पुराना इसका इतिहास रहा हुआ है। आप देखिए, अफगानिस्तान से भी उन्होंने सबसे पहले अपने आप को वहां से पैर खींचा, वो बहुत सख्त है। और आपने देखा, अब यहाँ पे एक बात आती है इस्लामिक टेररिज्म की। अभी दुनिया में ये बात चल रही है कि इस बात से हम कब तक डरे रहेंगे, इस्लामिक टेररिज्म इसमें कोई शक नहीं है, तो इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे जो कुछ देश हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो और फ्रांस हो, ये जापान भी हो, ये सभी अपने आप में अपने तरीके से सेल्फ कंटेन है और ताकतवर है, तो इनका भी अपना कुछ स्वार्थ है, और वो किसी भी हालत में अपने स्वार्थ और अपनी सुरक्षा और अपनी स्थिति को और अपनी व्यापारिक माहौल को कमजोर नहीं करना चाहते, मैं मानता हूं। लेकिन आने वाले दिनों में जो पवन पांडे जी, मैं बताना चाहता हूं कि जो क्वाड है, क्वाड अभी तो समुद्र के ऊपर उनका नजर है, लेकिन धीरे धीरे वो दुनिया के अंदर सभी रास्ते, सभी तट, सभी आइलैंड, और अगर आप वो जानकारी के तौर पर मैं बता दूं कि दुनिया की जो सामरिक लड़ाई होती है और बिजनेस होता है, वो सबसे ज्यादा समुद्री रास्ते से होती है, और जो लड़ाइयां भी होती हैं वो समुद्र के इलाके से, एयर जो उनकी मार होती है वो ज्यादा सुविधाजनक होती है ग्राउंड से अपेक्षाकृत। तो इन चीजों के मद्देनजर जो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और अब आने वाले समय में बताया जा रहा है कि 34 कंट्री ऐसे हैं जो क्वाड के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ना चाहते हैं, और यही कारण है कि
कि आज के रात की जो 8:30 बजे की मीटिंग है वो बहुत अहमियत रखती है और इसका इंतजार पूरी दुनिया कर रहा है और विश्व इसके ऊपर नजर जमाया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान और चीन, इनमें हलचल मचा हुआ है, इनके अंदर एक डर पैदा हो गया है और ये दबाव में है और आज इसकी जरूरत भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ललन सिंह जी इस महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए और एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा बेहद ही ज़्यादा खास और आज क्वाड देशों की मीटिंग होने जा रही है, इसी को लेकर बेहद ही अहम ये मीटिंग और इसमें COVID-19, ट्रेड, डिफेंस, क्लीन एनर्जी जैसे कई मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है। बेहद ही अहम दौरा, उसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें इस मीटिंग पर हैं। रात भारतीय समय के अनुसार करीब 8:30 बजे ये मीटिंग प्रस्तावित है और इसमें